वालेकुम। हाँ जी, सब बहन भाइयों को क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों से ये बताना था, और इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, बड़ी ज़रूरी बात है, कि जब भी मेडिसिन लेने जाएं उसकी पावर चेक कर लें, ठीक है? उसकी एक्सपायरी पावर लाजमी चेक कर लिया करें। ये जो लोग कहते हैं ना, अचानक ठीक ठाक था तो इसको अचानक डेथ हो गई है, तो कुछ भी नहीं था, तो ये इसी वजह से होता है। स्टोरों पे जो नए लड़के काम कर रहे हैं, वो दवाई जो होती है वो उन्हें पता नहीं होता है। मेरे साथ अभी भी ऐसे हुआ है, और मैं काफ़ी टाइम से दवाई ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी वालदा के। तो जो दवाई की जो पावर वाली साइड है ना, जिस पे एक्सपायरी लिखी होती है, वो साइड लिया करें। अगर आपने हाफ पत्ता लेना है, अगर आपने फुल लेना है तो ठीक है, उसके ऊपर एक्सपायरी लाजमी देखा करें, मैन्युफैक्चर डेट लाजमी देखा करें। और डॉक्टर ने अगर 5 mg दिए हुए तो 5 mg, 10 mg दिए हुए तो 10 mg, ये लाजमी देखा करें। अगर नहीं आपको पढ़े लिखे या नहीं पता तो किसी से पढ़ा लें, ये लाजमी चेक किया करें। मेरे साथ क्या पता नहीं कितने बंदों के साथ ये ऐसे होता है, और एक मेडिकल स्टोर से नहीं, 10 मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे ऐसे ही होगा। उनके पास अगर 5 mg अवेलेबल नहीं है तो वो 10 mg आपको दे देंगे, अगर उनके पास 10 mg लिखी हुई है तो वो 5 mg दे देंगे, उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है। तो ये लिहाजा प्लीज़ इस पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें, और हर चीज़ को देखा करें जो डॉक्टर ने लिखी हुई है। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं ना फार्मूला नहीं है, उन्हें बोलो जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूले में चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। थोड़ा सा घूम फिर ले, फार्मूला वही मिल वही लेना जो डॉक्टर ने लिख के दिया। थैंक यू।